नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन, माय यूट्यूब चैनल प्रेम गुप्ता जिम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे फ्रेंड। चलिए तो आज थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप करेंगे। आज शोल्डर का एक्सरसाइज रहेगा। चलिए तो पुशअप 3 सेट रहेगा, पुशअप और पुलअप्स 1-2 सेट सपाट रहेगा। चलिए तो पहला सेट चलेगा 10 साढ़े 7 से चलेगा। पहला सेट 7:30 रहेगा, तो इसमें हम कम से कम इसको हम 18 रैप लेंगे। पहला सेट 18 रहेगा, दूसरा आपका कम से कम 16 रहेगा, तीसरा कम से कम 12 रैप। तो चलिए तो पहला सेट आपके तरह लाते हुए, आपके सभी बीच सभी को ट्रेनिंग देते हुए, अपने जो मेरे दोस्त हैं उनको भी आज ट्रेनिंग देते रहेंगे। तो पहला सेट का स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब 10 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जितना आप रैप लेंगे 16 रैप आपको लेना है। और पहले उसके पास 30 के जी का 3, 4, 5, 6, 7। देखिए आप जितना पहला सेट अगर 18 है तो दूसरा 16 कर दीजिए, तीसरा आपको 14 रैप 12 भी हो सकता है, 12 या 14 रहेंगे। चलिए आप बैक साइड का जितना 3 सेट आगे का रहेगा तो 3 सेट पीछे का भी रहेगा। पहला 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 kg का काम मिनिमम आपको कम से कम 16 पहला रहेगा, दूसरा 14 रहेगा, तीसरा आपके साथ 12 रहेगा। तो आपके सभी बीच शोल्डर की एक्सरसाइज आज शुक्रवार का दिन, माय यूट्यूब चैनल प्रेम गुप्ता जिम को सब्सक्राइब कीजिएगा। 10 kg का पहला सेट चलते हुआ, इसके बाद 5 और बढ़ाएंगे। चलिए पहला दूसरा सेट का दूसरा रैप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलिए 11 सेट लिए। चलिए उसके बाद डंबल प्रेस करेंगे, 3 सेट 10 का 2 लेंगे और 1 12 का लेंगे। चलिए तो तीसरा सेट का पहला रैप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए दूसरा सेट रहेगा, पहला सेट तीसरे का दूसरा सेट रहेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हर एक्सरसाइज के बीच में आपको पहला सेट आपको कम से कम 12 रैप रहेगा, दूसरा 10 रहेगा, तीसरा 8 रहेगा। आपको मिनिमम इतना रैप लेना है, डंबल जब भी प्रेस करें अब उतना आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको करना है। डाइट के साथ साथ सेवन भी करना है। आप वर्कआउट डे को लेगा सीख कीजिए, 100 पनीर खाइए, लेकिन ताकत एनर्जी आपको बना के रखना है। इसमें 12 kg लगाएंगे, इससे कम से कम 8 रैप लेंगे। तीसरा सेट का तीसरा सेट चल रहा है, पहला राउंड आगे रहेगा, फिर बैक साइड का दूसरा हो गया, तीसरा राउंड हो गया, चौथा सेट का पहला रैप चलेगा। इसमें आपको कम से कम 20 रहेंगे, पहला 20, 14 और 12 का, पहले 5, 7.5 और 10 का। आज एक्सरसाइज के बीच में जो देखने के लिए आए हैं जिम कि कैसे किया जाता है, गांव में अधिकतर लोग देखने के लिए आज ज़्यादा आते हैं। जितना आप कॉलर को खींचेंगे आप उतना ही आपको बेहतरीन। चलिए चौथा सेट का दूसरा सेट चलेगा, चल रहा है, 7.5 रहेगा, इससे कम से कम 14 रैप या 12 रैप लेंगे। आप अगर 10 ले रहे हैं तो उसमें आपको 5 एक्स्ट्रा करना है, वही आपको मेन पॉइंट बनेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद 10 का रहेगा, एक देखिए 10 का भी आप 6 या 10 रैप ले सकते हैं। आप जितना आप 10 होने के बाद आप 4 या 2 1 तो बेसी करना ही पड़ेगा आपको, तभी आपका जो शोल्डर का कॉलर हिस्सा है वो आपको बेहतरीन, इस पर फायदा दिखेगा। दर्द होगा लेकिन आगे चल के बहुत बढ़िया अच्छा लगेगा आपको। चलिए पाँचवा सेट का पहला सेट, इसे भी हम 3 सेट लेंगे, पहले 5, 7.5, 10 का, 3 सेट लेंगे, 16, 12 और 10 का 3 सेट लेंगे।
सेट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना है। आप जब भी उसमें 12 मतलब 12 16 किए हैं, 16 से 4 एक्स्ट्रा आपको लेना है। ये नहीं आप मिनिमम आपको 16 लेना है तो उसमें 4 एक्स्ट्रा आपको अपनी तरफ से खींचना है, ताकत लगाना है, एनर्जी बचाना है। इसके बाद 7:30 से चलेंगे। 7:30 का जितना आप कर रहे हैं मतलब 7:30 का पहले सेट का 5 का 16 अगर हो गया है तो 12 रहेगा, 7:30 का 12 रहेगा, 10 का 10 रहेगा, 8 या 10 उसमें आपको 4 एक्स्ट्रा अलग से लेना, वो छोड़ दीजिए। कॉलर को हमेशा खींचना है अपने डाइट के साथ साथ, वर्कआउट हर चीज़ का समय से पालन कीजिए तो ही आपको बॉडी पानी खा रहेगा। याद रखना कभी भी जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ में आपको जो आपका डाइट है भोजन है वो आपको नियमित रूप से फॉलो करना है। चलिए छठवां सेट चलेंगे। छठवां का पहला सेट 10 के जी चलेगा, 10 का 2 रहेगा, 12 का 1 रहेगा, यानी पहला 16, दूसरा 14 रहेगा, तीसरा कम से कम 10 या 12 रैप रहेगा। आप सभी के बीच माय यूट्यूब चैनल प्रेम गुप्ता जिम को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप एक्सरसाइज जब भी कर रहे हैं वार्म अप डिप्स ये तो आपको प्रतिदिन करना है, ये तो आपको हर तरह के जब तक वार्म अप नहीं करेंगे तब तक बॉडी का जो हिस्सा है वो अब मांसपेशियाँ जो खींचा जाता है यही कारण है जो कोई जो अपना वार्म अप नहीं कर रहता। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है आपके बीच, जितना आप वार्म अप करेंगे उतना आपको बेहतरीन रिजल्ट आएगा उसका, ये आपको करना ज़रूरी है। इसके बाद 2 सेट इसको लेना है और 1 सेट 12 का लेना है। सेट को बढ़ाते रहिए, छठवां सेट चल रहा है। चलिए इसके बाद देखिए 12 लगाएंगे, 12 का भी हम कम से कम 10 या 12 रैप तो लेंगे ज़रूर। इस वक्त कोशिश रहे कि आप 12 रैप लें, 12 लेने के बाद 2 एक्स्ट्रा आप 4 या 2 एक्स्ट्रा खींच सकते हैं, जितना आपको लगे उतना खींचे, लेकिन जो आपको लास्ट में जो 4-3 जो भी आप करेंगे वही फ़ायदा करें। चलिए अगला सेट सातवां सेट, सातवां चलेगा। दो सेट मारेंगे इसके 5 लगाएंगे, 5 5 10 कम से कम पहला 20, दूसरा आपको कम से कम 16, दो सेट इसका लेना है, 2 सेट का वर्कआउट करना है इसे। जितना आप इसमें एक्स्ट्रा ताकत के साथ साथ इसका रैप बढ़ाएंगे वही आपको जो लास्ट में मारेंगे वही फ़ायदा करेगा। दूसरा सेट लास्ट में आपको एक बार और बता रहे हैं कि लास्ट में जो आपका मोमेंट जो आप रखने जा रहे हैं उसमें आपको कोशिश रहे कि 3 या 2 4 भी हो तो भी ज़रूर मारिए लास्ट में। इसके बाद जमल मारेंगे 12:30 का 2 1:25 का, यानी 3 सेट हो गया। पहला सेट जितना आप कॉलर को उठाएंगे, कॉलर आपको प्रतिदिन करना है जो एक्सरसाइज भी जब भी कर रहे हैं अपने डाइट के साथ साथ सेवन का भी। आप देखिए इसमें केले का भाव थोड़ा सस्ता है जरूर हो गया है अपने डाइट का। जो भी अच्छे लोग मेरे दोस्त अपना डाइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो पतले हैं दुबले हैं वो लोग कम से कम शाम को देसी पराठा या चावल भूज के प्रतिदिन 90 दिन खाइए, उससे आपको 5 किलो वजन बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी मेरे दोस्त है माय यूट्यूब चैनल प्रेम गुप्ता जिम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेरे जो नए हैं के पास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, चलिए कल के लिए लेग का एक्सरसाइज रहेगा।